माननीय स्मृति ईरानी जी आपको संबोधित करेंगी। बगल में पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता, मीडिया प्रमुख और सांसद अनिल बलूनी जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय स्मृति जी से कि आपको संबोधित करें। नमस्कार। कल राष्ट्र के सम्मुख केजरीवाल सरकार और सत्ता के मुख्य कंस्पिरेटर मनीष सिसोदिया के संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट प्रेषित हुआ। बेल की एप्लीकेशन के संदर्भ में कोर्ट के तीन प्रमुख ऑब्जर्वेशंस मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को प्रमाणित और प्रतिबिंबित करता है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस बात को न सिर्फ स्वीकारा बल्कि अपने संबोधन में उल्लेखित किया कि मनीष सिसोदिया ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए लगभग 100 करोड़ का घोटाला किया है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि मनीष सिसोदिया ने केस से संबंधित सबूतों को मिटाया है। कोर्ट का एक और ऑब्जर्वेशन कि मनीष सिसोदिया के पास आम आदमी सरकार के चलते इतनी प्रशासनिक और शासकीय ताकत है कि वो केस से संबंधित गवाहों को परेशान कर सकते हैं, गवाहों के संरक्षण के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए और केस से संबंधित सबूतों को मिटाने के लिए मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर ली। केजरीवाल सरकार के खिलाफ और केजरीवाल सरकार में अरविंद केजरीवाल के साथ इस स्कैम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मनीष सिसोदिया के संदर्भ में कोर्ट का ये जजमेंट अपने आप में गवाही देता है कि जो 100 करोड़ मनीष सिसोदिया ने स्वयं इस स्कैम के माध्यम से पाया उसके लाभार्थी आम आदमी पार्टी में और भी नेता हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार का यह घिनौना सच पुनः स्थापित करता है ये जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट का। मैं दिल्ली की जनता से अपील करती हूं, ये जजमेंट सार्वजनिक उपलब्ध है। ये जजमेंट दर्शाता है कि जिस आम आदमी पार्टी ने सेवा के बहाने सत्ता कब्जाई, उन्होंने जनता को संघर्षों में छोड़ते हुए जनता की तिजोरी को कितना लूटा है। अ जजमेंट येस्टरडे रिगार्ड्स टू मनीषा पब्लिक।
the observations of the Delhi High Court are the following. Corruption against Manish Sisodia. Delhi High Court accepts that corruption to the tune of $100 has been done by Manish Sisodia and all accused in the scam. What the court has also accepted in its observations is that Manish Sisodia has destroyed evidence. What the court has also reflected upon is the fact that Manish Sisodia has the capacity, leveraging his position in the Aam Aadmi Party and in the Aam Aadmi Party government, to pressurize witnesses who want to come forth before authorities and put facts on the table, especially against the Aam Aadmi Party. I appeal to all citizens of Delhi. These observations of the Delhi High Court are now in public domain. My appeal to citizens is this. Do read these substantial observations about the corruption of Manish Sisodia and the Aam Aadmi Party. Do read how evidence has been systemically destroyed by Manish Sisodia and the Aam Aadmi Party. Do read how witnesses are sought to be pressurized by Manish Sisodia and the Aam Aadmi Party. These were so-called political activists who came into the corridors of power with a promise of change, but ended up becoming nothing but looters of the treasury of the people. I'll now leave the floor open for questions. स्वाति मालीवाल जी की जब पिटाई केजरीवाल जी के घर पर चल रही थी, उस वक्त केजरीवाल जी के अलावा उनके स्टाफ और परिवार का कौन कौन सा सदस्य था, इसकी जानकारी सिर्फ स्वाति मालीवाल और केजरीवाल जी दे सकते हैं। स्वाति मालीवाल को क्यों मारा गया केजरीवाल जी की उपस्थिति में, केजरीवाल जी क्यों स्वाति मालीवाल की असॉल्ट के संदर्भ में अब तक स्पष्ट रूप से बोले नहीं, केजरीवाल जी के सानिध्य में क्यों एक राज्यसभा सांसद पर असॉल्ट हुआ इत्यादि, इन प्रश्नों का उत्तर अभी तक जनता को नहीं मिला है। The very fact that Mr. Kejriwal goes on campaign with an assaulter is an indication to you as to where Mr. Kejriwal's loyalties lie. With the assaulter in the company of Mr. Kejriwal, can you honestly expect him to do justice with anybody? The question is,
while a lady was being assaulted in his house. Who was present? What was done by Mr. Kejriwal? And why, till investigations are not completed, is Mr. Kejriwal walking around with the assaulter? मैंने आज अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो मनीष सिसोदिया के संदर्भ में हाई कोर्ट का जजमेंट आया उसके संदर्भ में किया है. आम आदमी पार्टी ना सिर्फ भ्रष्ट है बल्कि आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता अपने ही सीएम के घर में असुरक्षित है. तो चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, आपने जिनका उल्लेख किया वो तो प्रथम व्यक्ति हैं जो सार्वजनिक इस विषय पर बोल रही हैं. मेरी अपील है दिल्ली की जनता मनीष सिसोदिया जी के संदर्भ में जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया है वो भी पढ़े और दिल्ली की जनता ये भी पूछे कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में महिला असुरक्षित है वो देश में महिला सुरक्षा पर टिप्पणी किस मुंह से कर रहे हैं. मैं फिर से कहती हूं स्वाति मालीवाल जी की जब पिटाई चल रही थी अरविंद केजरीवाल के घर पर तब अरविंद केजरीवाल जी के परिवार से अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस से कौन कौन मौजूद था, किसकी क्या भूमिका थी, किसने क्या देखा, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है. मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं, पुलिस की नहीं. मैं इतना ही अनुरोध करूंगी कि इन्वेस्टिगेशन में कोई अड़ंगा ना दे. मुख्यमंत्री का असॉल्टर के साथ घूमना ही एक बहुत बड़ा संकेत है. ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है. पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय. और कोई क्वेश्चन? धन्यवाद जी. माननीय स्मृति ईरानी जी आपको संबोधित करेंगी. बगल में पार्टी के